हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रिकेट जोन में। आज का जो टॉपिक है वो क्रिकेट जोन के थोड़े जो रेगुलर टॉपिक्स हैं उनसे हटके है, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ एस्ट्रो टर्फ के बारे में। एस्ट्रो टर्फ पर बैटिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और ये मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो एक अपनी नई अकेडमी शुरू करना चाहते हैं और अपनी अकेडमी में एस्ट्रो टर्फ को यूज़ करना चाहते हैं। बिकॉज़ इस वीडियो के लास्ट में मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि इसकी कॉस्ट एंड परचेज़ क्या है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आप सोच रहे होंगे कि एस्ट्रो टर्फ है क्या, क्या चीज़ है, क्या मटेरियल है। तो ये एक आर्टिफिशियल पिच है जो सिंथेटिक ग्रास से तैयार की जाती है। एक बार आइए मैं दिखा देता हूँ आपको ये ग्रास, इसकी जो परत है देखिए काफ़ी मतलब आर्टिफिशियल ग्रास है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ऑफ सीज़न में है। सपोज़ आप बैटिंग करने जा रहे हैं और बारिश आ गई, तो अब आपकी बैटिंग ख़राब नहीं होगा, आपका प्रैक्टिस सेशन ख़राब नहीं होगा, बिकॉज़ धूप से और बारिश से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस पर पानी आएगा, अब थोड़ा साफ़ करेंगे इसको, इजीली आप दोबारा से बैटिंग कर इस पर कर सकते हैं। एक और बात ये कि अगर आपको अपनी प्रैक्टिस को हार्ड बनाना है तो आप थोड़ा पानी इस पर रख के उस पर बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन बैटिंग करनी है जब इस पर थोड़ा पानी रहेगा। एक बात का ध्यान रखना है कि आप सब अपने गार्ड्स अच्छी तरह से पहने, बिकॉज जब प्रैक्टिस हार्ड हो जाएगी तो इसका बॉल, आप इस पर सिंथेटिक बॉल से अगर पेस खेलेंगे तो पेस बढ़ जाएगा, तो उससे आपको इंजरी होने का थोड़ा खतरा रह सकता है। तो अपना गार्ड सब पहन के तब इस पर बैटिंग करें। इसका अगला बेनिफिट मैं अगर आपको बताऊं तो, जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया में लो बाउंस पिचेस जो हैं ज़्यादा हैं, और आपको कहीं ऐसे विकेट पर खेलने को मिल गया जहां पर जो तेज़ विकेट है और फेस करना पड़ गया एक तेज़ बॉलर जिसका अच्छा पेस है, तो वहां आपको थोड़ा दिक्कत होगी। अगर आपने एस्ट्रो टर्फ पर बैटिंग की होगी, प्रैक्टिस की होगी, तो फिर आप वहाँ पर सर्वाइव कर जाएंगे। जैसे कि आप लाहली हो गया, एडन गार्डन्स हो गया, धर्मशाला हो गया, ऐसे विकेटों पर आपको कभी खेलने का मौका मिल गया तो वहाँ पे आपको बेनिफिशियल हो सकता है एस्ट्रो टर्फ पर प्रैक्टिस की होगी तो। अगर अब आप सोच रहे होंगे कि एस्ट्रो टर्फ के बारे में तो पता लग गया, लेकिन इस पर प्रैक्टिस करनी कैसे है, तो मैं आपको बता दूँ कि मेनली तो इस पर बॉलिंग मशीन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, साइड आर्म से आप खेल सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताया कि पिच थोड़ा गीली रख के आप सिंथेटिक रेड वाला बॉल आता है ना, वाइट वाला भी आता है, आप उससे इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो बढ़िया स्किट होगा, बॉल या राइज भी होगा, निकलेगा, लगता है कि आप पेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और मेनली तो ये इंडोर में होता है ज़्यादातर, आजकल तो इंडोर सेशंस, इंडोर में आपको इसमें प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। दूसरी बात ये, आप लेदर से नेट सेशन इस पे लगा सकते हैं। हर तरीके से अगर पेस की आपको प्रैक्टिस करनी है तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको इस पे होगा। बहुत ज़्यादा बार क्या होता है, जब आप टर्फ पे बैटिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि बाउंस कभी ऊपर उठ जाता है, कभी बॉल ज़्यादातर 90% नीचे ही रहता है या सही हाइट तक आता है, तो उससे क्या है चीज़ें बिखर जाती हैं। तो उन चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए क्या करना है, एस्ट्रो टर्फ पर आप बैटिंग करनी है, बिकॉज इस पे आता है बैट पे बॉल, तो यहाँ से कॉन्फिडेंस थोड़ा बनेगा, यहाँ से थोड़ा हेल्प होएगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एस्ट्रो टर्फ मेनली है आपके ऑफ सीज़न के लिए, आपके 2-3 महीने मानसून के निकल जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस ख़राब हो जाएगी, तो उसमें क्या है वो ख़राब नहीं होंगे आप एस्ट्रो टर्फ, क्योंकि धूप और बारिश पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद भी इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोस्को की बॉल है, आप उसे गीला करके आप इस पर खेल सकते हैं, काफ़ी अच्छी पेस की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी इस पर, तो वो चीज़ें कंटिन्यू कीजिए इस पर। तो अब मैं बात करूँ इसकी कॉस्ट एंड परचेज़ की, ये आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा। अगर आप नॉर्थ साइड से हैं तो आप मेरठ जो कि क्रिकेट हब है वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं, दिल्ली से आप इसको बाय कर सकते हैं, और अगर कहीं और से हैं इंडिया में तो आप इसको ऑनलाइन भी कहीं भी वेबसाइट है वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। इसको ख़रीदने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखें कि ये अलग अलग वैराइटीज़ में, जिसमें जैसे जिस चीज़ में मैं खड़ा हूँ वो थोड़ा पतली जो है इसकी परत है, इस पर पेस आपको अच्छा मिलेगा। इसमें सेकेंडरी होता है थोड़ा मोटा होता है, उसमें क्या होता है बॉल, आप जब बॉल करेंगे इस पर तो बॉल वो गद्दे टाइप होता है, गद्दा देखा है ना, होता है प्रेस होता है, उससे क्या होगा बॉल पड़ेगा तो नीचे रहेगा, पड़ेगा तो आपके ऊपर से उठ जाएगा। थोड़ा हार्ड होना चाहिए, जैसे ये हार्ड है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान आप जब भी लें तो चेक करके लें ये बात। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताए एस्ट्रो टर्फ पर बैटिंग करने के कुछ बेनिफिट्स और इसके कॉस्ट एंड परचेज़। आई होप आप बैटिंग करेंगे, अपने गेम को बेटर बनाएंगे एस्ट्रो टर्फ पर बैटिंग कर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और नीचे कमेंट करके टॉपिक ज़रूर सजेस्ट कर देना ना। थैंक यू।